आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस रिपोर्ट, मतलब एडवांस एक्सेल की जो ट्रेनिंग है वो एमआईएस क्रिटिक के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज ही हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है और कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम है, तो आज की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग के लिए आपको सर्च करना है आईपीटी इंडिया, सर्च बॉक्स में आईपीटी इंडिया कीजिएगा तो लेटेस्ट वीडियो जो होगा वो आपकी का होगा। अब प्लीज क्लास लेते समय अपने माइक को म्यूट रखें, जब कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछेंगे। तो आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे तो मेरा चैनल भी आ जाएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे सारे वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो जो आपकी क्लासेस की होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं सारी वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो कुछ ऐसे क्लासेस में आप लोग मिस है या रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो मैं यूट्यूब से के जरिए दे दूंगा, लेकिन हमेशा यूट्यूब के जरिए नहीं दूंगा, मैं किसी और मीडियम से भी आपके पास पहुंचा दूंगा, जैसे कि मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज की मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल से रिलेटेड। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि मार्केट में जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज है आखिर है क्या, और मैं आपको कौन सा वर्जन सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन 2019 सिखाऊंगा, 2019 जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास तो 2019 नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेटेस्ट वर्जन में ओल्डर वर्जन के सारे फंक्शंस आते हैं और हमारा इंटरफेस भी चेंज नहीं हुआ है। 2013, 16, 19 सबका इंटरफेस एक जैसा है। 2007 और 2013 में भी इंटरफेस का कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आपने 2019 को सीखा तो आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। लेकिन आप चाहते हैं कि 2019 में लोड करो अपने सिस्टम पे, तो सबसे पहले तो आपको अपना विंडो चेंज करना पड़ेगा। विंडो होना चाहिए विंडो 10, क्योंकि आपका ऑफिस 2019 विंडो 10 पे लोड होती है, इंस्टॉल होती है, लोड करना सा और होगा था, इंस्टॉल होती है। सो आपका रिक्वायरमेंट है विंडो 10। मैंने हाल में विंडो चेंज किया अपना, अपग्रेड करवाया है, तो ये हमारा विंडोज 10 भी चल रहा है। ओके, ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात। मैं ज्यादा डीपली और ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों के पास एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज है। फिर भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का यूज, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने दिख रहा है, इसका बेसिकली यूज क्या है। कि अगर आप अपने मार्केट अपने इसमें अपने ऑफिस में जाए तो इसको इसका क्या यूज करेंगे। तो देखिए एक्सेल का यूज सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले यूज होता है डेटा स्टोरेज। पहला जो पॉइंट है एक्सेल का इस्तेमाल का वो है आपका डेटा स्टोरेज। लेकिन हम इसको डेटाबेस भी नहीं कह सकते, हम इसमें डेटा जो स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं शॉर्ट मीडियम डेटा। जी हाँ, शॉर्ट मीडियम डेटा, क्योंकि ये डेटाबेस के बहुत सारे इसकी क्या बोलते हैं बहुत सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। सबसे पहले बात कि इसकी साइज हमारी लिमिटेड है। अगर इसकी साइज अगर ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10 लाख रो ऑफ डेटा की ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस जैसे ही 2 लाख 3 लाख से ऊपर बढ़ेंगे ऐसे आपकी फाइल हैंग होनी करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम इसको डेटाबेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मिसलेनियस डेटा होता है इसको जरूर स्टोर करते हैं। मिसलेनियस डेटा क्या होता है, हर कंपनी में आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस होता है। कोई सैप यूज करता है, कोई एसक्यूएल यूज करता है, कोई ऑरेकल यूज करता है, कोई आईबीएम का कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटाबेस मार्केट में अवेलेबल है और कंपनी यूज करती है। लेकिन क्या है कि डेटाबेस में कोई भी नई डेटा डालने के लिए हमें टेबल क्रिएशन करना पड़ेगा, फॉर्म उसका इंटरफेस या फॉर्म क्रिएशन करके फिर डालना पड़ेगा। मतलब ये कोई प्लान डेटा है उसी को आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टैली, आप अकाउंट के लिए टैली का इस्तेमाल करते हैं, तो टैली के अंदर में आपने आपके पास एक पेटी कैश है,
पेटी केज इनको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। पेटी केज होता है कि रोजमर्रा के जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे फोटो स्टेट कराया, कन्वेंस हुआ, गेस्ट आया तो उसको चाय कॉफी पिला दिया, ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो होता है, स्टेशनरी में एक पेन खरीद के ले आया, एक रबर खरीद के ले आया, तो ऐसी पेमेंट को हमें कैश ही करना पड़ता है। आप फोटो स्टेट वालों के तो नहीं कहूंगा कि भाई 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई तो तुम्हारे कोटेशन डाल, मैं चेक बनवा के तुम्हें भेजूंगा, कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो कंपनी क्या करती है कि सम पर्सन को एक पेटी कैश अमाउंट मंथली इशू कर देती है, वो पर्सन उस अमाउंट को मिसलेनियस रूप में खर्चा करता है और बाद में उसकी हिसाब रखता है। तो प्रॉब्लम है कि पेटी कैश आपके टैली के अकाउंट में पेटी कैश का लेजर बन जाता है, लेकिन पेटी कैश की डेटा का लेजर तो नहीं बनेगा ना सर, उसमें ये तो नहीं डाल पाएंगे कि हाँ 2 रुपए का फोटो स्टेट हुआ, तो हर बार नई लेजर तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए उनकी जो डेटा होगी हम एक्सेल में स्टोर करेंगे, एक्सेल में पूरा स्टोर होगा और पूरी टैली में उसका समरी जाएगा कि हाँ मंथ में पेटी कैश 1 लाख रुपए खर्च हुआ। तो उसी तरह का डेटा जो हम ना डाल सकते हैं, मतलब कि हमें सॉफ्टवेयर में नहीं, हम नहीं डाल सकते, उसकी स्टोरेज हम एक्सेल में करते हैं। या फिर जो छोटे मोटे लोग हैं मिसलेनियस, जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जिनके पास 25,000-26,000 लाख का डेटा महीना में होता है, तो वो लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा यूज होता है कैलकुलेशन। अब यहाँ ये चीज को देख लीजिए, कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो कि आप एक्सेल में इजिली और आसानी से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है, इंसेंटिव हो गया, कमीशंस हो गए, उनका डेटा, सेल का डेटा आपने निकाला, उसे कमीशंस वगैरह निकाला और आपने उसकी पूरी कमीशन कैलकुलेट कर ली। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है, साथ में हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनका भी इस्तेमाल इस एक्सेल के लिए, इस एक्सेल में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ग्रोथ निकालना है, मान लीजिए कि क्वार्टर वन में मेरे पास 20 सेल है एंड क्वार्टर टू में 60 सेल है, और आई वांट टू ग्रोथ परसेंटेज कि कितना परसेंट हमारा ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ के लिए अब हमें इसमें एक्सेल की चीजें फॉर्मूला हो सकती है बट मुझे नहीं पता, बट मैथमेटिकल कहती है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा, यहां इक्वल लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब इसको जो है हमें बोर्ड मास में थर्ड में डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये कैलकुलेशन होगा, क्योंकि पहले डिवाइड होता है देन माइनस होता है, तो दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा परसेंटेज आ गया कि 66% का ग्रोथ, 66% ग्रोथ। तो अगर इसमें एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल है फिर भी ठीक है, अवेलेबल नहीं है यू कैन अप्लाई द मैथमेटिकल रूल इजीली, क्योंकि यहां पे हर एक सेल का, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हर एक सेल का एड्रेस होता है, बाकी डेटाबेस में कॉलम का एड्रेस होता है, कैलकुलेशन कैलकुलेट तो कॉलम को करता है ना कि सेल को करता है। ये बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है हमारा, तीसरा बेनिफिट में कह सकते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का इस्तेमाल होता है कि आप इजिली किसी भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हो बहुत ही कम समय में। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, इसी डेटा को कहता हूं, ये डेटा हमारे पास है, अब मुझे इस डेटा पे मुझे पता करना है कि सिटी वाइज एवरेज एमआरपी क्या है, कि किस एवरेज किस रेट से किस सिटी में हमारा बिका है प्रोडक्ट। तो इसके लिए सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल का इस्तेमाल करें, और पिवट टेबल का इस्तेमाल कर हम इसमें सिंपल सा एवरेज यहां रखेंगे और यहां पे हम रखेंगे अपना सिटी और यहां पे हम एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंपल। तो ये हमारी एक्सेल की यूज होता है वो हमारा एनालिसिस के लिए होता है, और चौथा यूज होता है हमारी प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाते हैं। डायनेमिक रिपोर्ट्स मतलब कि आपने कहीं पे क्लिक किया और आपका डेटा चेंज हो गया, तो डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल को। एक्सेल में अगला जो काम होता है वो होता है आपका, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा देखिए, इसी को इसमें मिसिंग है। एक मिनट, मैं फाइल को डाउनलोड कर देता हूँ फिर आपको देखिए। एक सिंपल सा हम दिखा रहा हूं, अब देखिए एक सिंपल सा रिपोर्ट्स है यहाँ पे, बना तो पिवट से ही है, कोई खास इसमें नहीं है। ये बिटवीन टू एम्प्लॉय एंड ऑल आवर एम्प्लॉय की कंपेयरिंग है। तो यहाँ पे मैं जिस डिपार्टमेंट को, जैसे मार्केटिंग में सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मेरा पूरा डेटा मार्केटिंग का चेंज हो गया, और मैंने यहाँ पे आईटी किया तो मेरा आईटी का डेटा यहाँ चेंज हो गया। तो इसको इजीली हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी के सामने, क्योंकि ये पीपीटी अगर हमें बनाएंगे तो हमें पास अगर कई सारे स्लाइड्स हैं तो हर कई सारे एंगल से रिपोर्ट को देखना है तो हर एंगल से रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो पीपीटी में हम डायनेमिक रिपोर्ट को नहीं, डायनेमिक रिपोर्ट या डायनेमिक प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, तो उस केस में हम इसका एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट पांचवा जो यूज है वो पांचवा यूज है शेयरिंग। शेयरिंग मान लीजिए कि आपको अगर डेटा कोई भेजना है, अगर कोई डेटा अगर आपको भेजना है मान लीजिए, तो वो डेटा आप किसके थ्रू भेजेंगे? तो जनरली हम एक्सेल के थ्रू भेजेंगे। तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पांच बे आपका है, समझ में आया सर? सौरभ जी एंड सॉरी
दीपक जी, सुनील जी, दीपक जी एंड मिश्रा जी, सर ये जानना जरूरी होता है कि हम एक्सेल की किस किस फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। ये चीज एक जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर जब तक आप जानेंगे नहीं क्या कर रहे थे एक्सेल के, जिनसे आप मार्केट में डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग, पांच चीजें आप आसानी से करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेनली हमारा पांच होता है। तो एक तो हम जानेंगे इसके बारे में, आप बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर जैसे कि सिंपल है कि आप एक वर्कबुक होता है, उसके अंदर शीट्स होते हैं, शीट्स आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं वहां पे। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम होता है, जहां पे कॉलम इंटरसेक्ट, रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होता है, वहां पे आपका एक हर एक वैल्यू स्टोर होती है। जो भी वैल्यू चाहे टेक्स्ट, नंबर, डेट अगर स्टोर होती है तो एक सेल के अंदर स्टोर होती है। लेकिन अगर कोई इमेज या ग्राफिक्स अगर आप इसके अंदर स्टोर करते हो, तो वो आपका, वो किसी सेल की पार्ट नहीं होता है, उसका एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी सेल को ओवरराइड करता है, उसके ऊपर आता है। ठीक है सर। तो हर सेल का यहाँ एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है, क्यों होता है, कैलकुलेशन के लिए। और एड्रेस क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि ये आपका A1 है, मतलब एक कॉलम एंड वन रो। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ई कॉलम एंड सेवन रो। अब एक चीज ध्यान और की है कि मैंने यहाँ पे A1 कर दिया तो ये आपका A1 ए पकड़ लिया, लेकिन मुझे अगर सीट वन का A1 चाहिए तो मुझे यहाँ पे सीट A1 लेना पड़ेगा। मतलब कि हम खाए तो सिलेक्ट कर लेंगे या फिर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए सीट A1 हो जाएगा, जो भी आपका होगा B4 है। तो अगर विद इन एक ही फाइल में अगर सेम सीट पे है तो आपको सिर्फ सेल का एड्रेस सेम हो जाता है। अनदर सीट है उसमें आपको उस सीट का देना होता है, और अनदर फाइल है तो आपको उस फाइल का रेफरेंस भी देना पड़ता है। जैसे कि समिफ प्रोजेक्ट को मैंने दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए समिफ प्रोजेक्ट और यहाँ पे C2 एंड आया। तो अभी ये फाइल हमारा ओपन है तो उसका एड्रेस नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही मैं समिफ प्रोजेक्ट को क्लोज करूंगा वहां पे उसका सेविंग लोकेशन भी आ जाएगा, ये फाइल कहाँ पे है। और याद होगा जब आप बार बार फाइल को खोलते हैं तो आपसे अपडेट लिंक करता है, तो ये अपडेट लिंक भी इसी चक्कर में होता है। तो सेल, अगर सेल एड्रेस की बात करें तो सेल एड्रेस किया क्यों गया है, तो ये चीज इसलिए किया गया है क्योंकि कैलकुलेशन किया जा सके। जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं 20 लिखा हूं, यहाँ पे 30 लिखा हूं, तो मैं जनरली यहाँ पे 20 को प्लस 30 से कर सकता हूं, 20 को प्लस 30 कर सकता हूं। लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इसका एड्रेस लेना होगा। C10 प्लस D10, मतलब C10 इट मीन C10 की वैल्यू प्लस D10 D10 की वैल्यू। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब हमारा चेंज होगा सेल की वैल्यू तो अपने आप को चेंज कर देगा। तो सेल एड्रेस के लिए इसलिए किया जाता है। अब सेल एड्रेस की एक और खासियत है, जैसे कि अगर हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और हमारे पास कई सारे डेटा हम यहाँ पे डाल देते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, मान लीजिए इसमें प्लस 20 करता हूं तो 20 कर दिया किसी एक सेल, जैसे इसको हम ड्रैग करते हैं हमारा सेल का एड्रेस इंक्रीज हो जाता है, A1 E2 हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको
कोई कैलकुलेशन करना है, सब में प्लस 20 करना है, तो हमने सिर्फ एक सेल पे फॉर्मूला लगाया और बाकी सेल को हमने ड्रैग कर दिया। अगर मान लीजिए कि फैसिलिटी नहीं होती कि एक सेल में हर सेल में मुझे लगाना पड़ता तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता ना। इसलिए बेनिफिट है, लेकिन हर बार बेनिफिट नहीं होता, कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे कि अगर मैं D2 में, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूं, अब मुझे D1 की वैल्यू जो है, D1 D2 जो भी है, D1 की जो वैल्यू है, इस D1 की वैल्यू को पूरे में लिखना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे इक्वल अगर इसको प्लस D1 कर देता हूं, अब जब मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, A1 A2 बनेगा, यहाँ A1 आपका A2 बन गया, लेकिन यहाँ पे D1 D2 भी तो बन गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो जब आप ड्रैग करते हैं तो जहां पे ड्रैगिंग मतलब कि ड्रैग करना है, इंक्रीज करना है, वहां तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे इंक्रीज ना करना हो वहां तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम फ्रीजिंग वाला इस मेथड को अपनाते हैं। हम क्या करेंगे कि 2 को हमें रोकना है, 1 से 2 ना हो, इसलिए हम डी में 1 के आगे हम डॉलर साइन लगा देंगे और फिर इसको एंटर करते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करने पे चेंज नहीं है, हालांकि मैंने 1 के आगे डॉलर लगाया है, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो फिर डी जो है वो ई बन जाएगा। तो अगर आप डी को भी रोकना चाहते हैं कि डी में इंक्रीज ना हो तो डी के आगे डॉलर लगा दीजिए। तो डॉलर साइन रो एंड कॉलम, जैसे बताया था एड्रेस में कि पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, तो रो एंड कॉलम किसी में भी डॉलर साइन लगा है तो वो आगे बढ़ने से रोक देगा। ये हमारा होता है इस चीज का। अब बात करते हैं कुछ और चीजों पे, जैसे शॉर्टकट है, लिमिटेशन है, ये कैसे पता चलेगा। कोई भी चीज को जानने से पहले मुझे उसकी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी शॉर्टकट्स वगैरह पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ टेल मी मोर पे जाइए। जैसे मान लीजिए आपको लिमिटेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिमिट को सर्च किया, या गेट ऑन हेल्प ऑन लिमिट, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन एंड लिमिट आपको दिख गया, क्लिक कीजिए। आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए आपके पीसी में उस समय इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ देखिए आपकी जैसे ओपन वर्कबुक, अब जैसे मैं 2 फाइलें खोल रखी, ऐसे कितनी फाइलें खोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रखिएगा, कंप्यूटर में कोई अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता, हर एक चीज के लिए कोई लिमिट डिफाइन है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन वर्कबुक या लिमिटेड अवेलेबल बाय मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स, तो यहाँ पे अनलिमिटेड जैसा फील हो रहा है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपका रैम और आपका हार्ड डिस्क अनलिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 10,00,00,000 फाइल खोलने पे आपका सिस्टम का मेमोरी फिल हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बोला
तो यहां पर हम कहेंगे कि लिमिटेड अवेलेबल है सिस्टम मेमोरी। अब यहां पे एक चीज और है कि यहां आप देख रहे हैं कि जितने भी है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट कैजुअली आप इसको पढ़ लें तो ठीक रहेगा। ठीक है सर मिश्रा जी, इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ दर्ज आता है शॉर्टकट्स, कि शॉर्टकट्स को हम कैसे करेंगे। तो जैसे हमने लिमिट को सर्च किया है वैसे ही हम शॉर्टकट को भी सर्च करेंगे। यहां सर्च है या ऊपर भी सर्च करना है तो ऊपर भी कर सकते हो। यहां पे मैंने लिख दिया शॉर्ट, ठीक है। तो इसको भी आप यहां पे देखिए क्लिक कीजिए और इसको भी एक बार कैजुअली आप पढ़ लीजिए। जो समझ में ना आया मुझसे कल की क्लास में या व्हाट्सएप पे मुझसे बात करके पूछ लीजिए। ठीक है सर, लिमिट्स एंड शॉर्टकट्स आप जो है एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। क्लियर सर, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट थी, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइल मेनू बार पे। हम जो चलेंगे वो मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आप भी इजिली ट्रैक कर सके कि आपको अगला क्लास कोर्स क्या होगा, या फाइल मेनू बार में हमारा फाइल में हमारे जो चीजें हम कल करेंगे, सिर्फ फाइल के बाद हमारा होम आएगा, इंसर्ट आएगा, पेज लेआउट आएगा, तो ये चीजें भी हम करेंगे। ठीक है सर, आज तो मैंने आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में बताया, थोड़ा सा यूजेस के बारे में, थ्योरिकल क्लास भी। कल से हम फाइल मेनू को स्टार्ट करेंगे और आज की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोगों को लिंक भेज दूंगा या फिर आईपीटी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कल से आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है सर, ओके बाय, गुड नाइट। और कल से प्लीज टाइम पे ज्वाइन होइएगा, 9:05 तक क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। 9:05 से 9:45 चलेगी सर। राइट सर।